हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 5th of May 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में भारतीय सेना के मेडिकल कोर चिकित्सकों द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू ओपन श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाय द मेडिकल कॉर फिजिशियन ऑफ इंडियन आर्मी इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस आर सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर है, ये मेडिकल कॉलेज ओपन किया जाएगा फरीदाबाद में। डी इज द राइट आंसर। और मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। किसके द्वारा ये ओपन किया जाएगा? बाय मेडिकल कॉर फिजिशियन जो इंडियन आर्मी से है। ओके, डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा के किस जिले के अशोक सिंघल ने असम विधानसभा में जीत हासिल की है? अशोक सिंघल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वोन द असम लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑप्शन आर रोहतक, गुरुग्राम, सोनीपत, भिवानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बिलोंग करते हैं भिवानी से। डी इज द राइट आंसर। पर्टिकुलरली यदि बात की जाए तो ये एक विलेज से बिलोंग करते हैं, विलेज का नाम है नाकीपुर, जो लोहारू असेंबली में आता है, लोहारू असेंबली ऑफ भिवानी। अभी बीजेपी की तरफ से इन्होंने ये इलेक्शन वोन किया है, बीजेपी की तरफ से। और असेंबली जो थी असम की, जहाँ पे इन्होंने इलेक्शन वोन किया है, वो है देखी अजुली। देखी अजुली असेंबली ऑफ असम। ये एक्टिव है बिजनेस में और पॉलिटिक्स में, एक्टिव इन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जननायक जनता पार्टी जेजेपी हरियाणा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ जननायक जनता पार्टी हरियाणा? ऑप्शंस आर रमेश खटक, दिग्विजय चौटाला, रणधीर सिंह और सतबीर लकड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अपॉइंट किया गया है दिग्विजय चौटाला को। बी इज द राइट आंसर। ये यंगर ब्रदर हैं डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला के। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला के ये यंगर ब्रदर हैं। इन्हें सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे जो है अपॉइंट किया गया है जननायक जनता पार्टी में। और इसके साथ साथ कुछ और अपॉइंटमेंट हम देख लेते हैं, वो है कुलदीप मुल्तानी, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जेजेपी। उसके साथ साथ रणधीर सिंह को अपॉइंट किया गया है एज ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ जेजेपी। और सतबीर लाकरा को अपॉइंट किया गया है एज ट्रेजरर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार जो है वो किसे दिया गया है? हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड? ऑप्शंस आर रमेश चंद्र, हरदीप सिंह, कमलेश्वर कुमार मिश्रा और नवराज संधू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चार्ज दिया गया है हरदीप सिंह को। बी इज द राइट आंसर। ये आईएएस ऑफिसर हैं। इसके साथ साथ ये किस किस पोस्ट पे हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये डायरेक्टर जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा, एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा। इसके साथ साथ ये सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। एडिशनल सीईओ हैं, एडिशनल सीईओ ऑफ हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण, ऑफ हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण। और उसके साथ साथ ये एमडी हैं, मींस मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ हरियाणा लैंड
रिक्लामेशन डेवलपमेंट, कॉरपोरेशन लिमिटेड में, शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं HLRDC। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा में हाल ही में फ्रंट लाइन कोविड योद्धाओं का दर्जा किसे दिया गया है? हु हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स इन हरियाणा रिसेंटली? ऑप्शंस आर शॉपकीपर्स, पुलिस पर्सोनल्स, जर्नलिस्ट और सफाई कर्मचारी। इसका सही आंसर है, ये दिया गया है जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को ये दर्जा दिया गया है। ये दिया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के उपलक्ष्य में ये जो है इनको दिया गया है फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर का स्टेटस जर्नलिस्ट को। और ये डिक्लेयर किया गया है हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। हेल्थ मिनिस्टर कौन है हरियाणा के? ये है अनिल विज। ओके और किस लिए इन्हें डिक्लेयर किया गया है, किस लिए इन्हें स्टेटस दिया गया है फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर का? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रोवाइड करते हैं सीमलेस न्यूज फीड फॉर प्रोवाइडिंग सीमलेस न्यूज फीड अमिड राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना, राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस। ओके और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को, 3 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम क्या रही है, हम थीम भी देख लेते हैं। इसकी थीम रही है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इस साल की थीम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने जो करंट अफेयर्स की रिगार्डिंग क्वेश्चन है हरियाणा के वो डिस्कस किए हैं। अब हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हरियाणा के रिगार्डिंग। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है विच इज द फर्स्ट नेशनल न्यूज़पेपर ऑफ हरियाणा, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शंस आर दैनिक हरिभूमि, दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक जागरण और दैनिक जनसत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है दैनिक हरिभूमि, ये इसका सही आंसर होगा। ये कहाँ से पब्लिश हुआ था और कब इसकी पब्लिकेशन स्टार्ट हुई थी, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पब्लिकेशन इसकी स्टार्ट हुई थी रोहतक से। कब स्टार्ट हुई थी? 1966 में। हरियाणा भी कब बना था? 1966 में, 1st of November 1966 में हरियाणा बना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है 26वें सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग हरियाणा के किस जिले से हैं? द 26th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ऑप्शंस आर रोहतक, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बिलोंग करते हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, दिस इज द राइट आंसर। कब से कब तक इन्होंने सर्व किया है एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो इन्होंने सर्व किया है फ्रॉम 31st of July 2014 से 31st of December 2016 तक। प्रेजेंट में ये जो है हाई कमिश्नर है सेशल्स में, हाई कमिश्नर इन सेशल्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग टाइप है, वहां पे आपको एक तरफ प्लेस का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है पूछा गया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो फर्स्ट है आदि बद्री, सेकंड है देवसर धाम, कपिल मुनि मंदिर और अश्विनी कुमार तीर्थ। तो देखते हैं, आदि बद्री आता है आपको पता ही है ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, देवसर धाम आता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, कपिल मुनि मंदिर है ये आता है कलायत में, कलायत कैथल, कैथल डिस्ट्रिक्ट में। ओके अश्विनी कुमार तीर्थ ये आता है जींद डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है सी, फर्स्ट का है एस, सेकंड का है क्यू, थर्ड का है आर और फोर्थ का है पी। तो
सही आंसर सी हो जाएगा। वन बाय वन इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आदि बद्री की। आदि बद्री में आता है सरस्वती उद्गम तीर्थ, यहाँ पे श्री सरस्वती उद्गम तीर्थ भी आता है। और इसके साथ साथ ये फेमस टूरिस्ट साइट है, फेमस टूरिस्ट साइट। आर्कियोलॉजिकल, रिलीजियस और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसका। आर्कियोलॉजिकल, रिलीजियस और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इस साइट का। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है बहुत सारे एनुअल फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से एनुअल फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो फर्स्ट है 5 लॉन्ग डे, 5 दिन तक ये चलता है। नेशनल सरस्वती फेस्टिवल होता है, नेशनल सरस्वती फेस्टिवल जो 5 दिन तक चलता है और जैन मंथ में ये होता है। उसके साथ सेकंड है आदि बद्री तीज मेला, जो वैसाख में होता है। तीज मेला वैसाख में ये होता है, मीन्स ये जो है अप्रैल मई के आसपास होता है, अप्रैल मई। थर्ड मेला है यहाँ पे आदि बद्री कपाल मोचन कार्तिक पूर्णिमा रिलीजियस मेला, कार्तिक पूर्णिमा रिलीजियस मेला ये होता है अराउंड नवंबर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे देवसर धाम की। देवसर धाम जो है ये भिवानी में है, वैष्णो देवी को ये डेडिकेटेड है। वैष्णो देवी यहाँ पे जो है साल में 2 बार मेला लगता है, वो नवरात्रि के टाइम पे होता है। साल में 2 बार नवरात्रि आती है, चैत्र और अश्विन में, चैत्र और अश्विन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कपिल मुनि मंदिर की। ये कलायत में आता है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये पर्टिकुलरली यदि इसकी बात की जाए तो ये कैथल और नरवाना के बीच में आता है। हर साल यहाँ पे मेला लगता है पूर्णमासी के टाइम पे, ऑन द पूर्णमासी। पूर्णमासी ऑफ कार्तिक मंथ, ऑफ कार्तिक मंथ, कार्तिक मंथ में जो पूर्णमासी होती है उसमें यहाँ पे मेला लगता है, जो डेडिकेटेड होता है कपिल मुनि को। वो आप नाम से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है अश्विनी कुमार तीर्थ, ये जींद में आता है। और ये किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है विद द वैदिक ट्विन डिटीज अश्विन, वैदिक ट्विन डिटीज जिनका नाम है अश्विन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मनीष कौशिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मनीष कौशिक जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शंस आर शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रिलेटेड है बॉक्सिंग से। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। भिवानी डिस्ट्रिक्ट को मिनी क्यूबा भी बोला जाता है। मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा किस लिए बोला जाता है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बॉक्सर्स जो है वो भिवानी से बिलोंग करते हैं, और क्यूबा से भी बहुत सारे बॉक्सर्स होते हैं, तो इसीलिए भिवानी को मिनी क्यूबा बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मनीष कौशिक की। मनीष कौशिक जो है वो इंडियन आर्मी में है। इंडियन आर्मी किस पोस्ट पे है? ये ज्वाइंट कमीशन ऑफिसर है, ज्वाइंट कमीशन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन हरियाणा? ऑप्शंस आर गुरुग्राम, हिसार, भिवानी और फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, दी इज द राइट आंसर। फरीदाबाद जो है वो लार्जेस्ट सिटी है हरियाणा की, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इसकी हरियाणा में, साथ ही साथ ये लार्जेस्ट सिटी भी है हरियाणा की। और ये पार्ट है एनसीआर का,
पार्ट है एनसीआर रीजन का। और इसके जो है नॉर्थ में, इसकी ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में आता है दिल्ली, और इसके वेस्ट में आता है गुरुग्राम, साउथ में आता है पलवल, और ईस्ट में आता है उत्तर प्रदेश, यूपी। ओके, दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे नंबर 2, दिल्ली मथुरा NH2, जिसे शेर शाह सूरी मार्ग भी बोला जाता है, शेर शाह सूरी मार्ग, वो इस डिस्ट्रिक्ट के बीच से पास होता है। ओके, पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। उसके साथ साथ ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है दिल्ली आगरा ग्वालियर हाईवे पे, दिल्ली आगरा ग्वालियर हाईवे पे ये सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो है बहुत सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि एस्कॉर्ट लिमिटेड, एस्कॉर्ट लिमिटेड, यामा मोटर इंडिया, यामा मोटर प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया यामा मोटर प्राइवेट लिमिटेड, हेवेल्स इंडिया, जेसीबी इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, LNT, इस तरह के बहुत सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फरीदाबाद में हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।